हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब एकदम फाइन होगे, एकदम मज़े में होगे और मौज कर रहे होगे। तो देखिए, सबको गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय भोले बाबा, जय श्री कृष्ण। ओके, और अभी ना मैंने ये इडली बनाने के, मैं पहली बार इडली बना रही हूँ। इडली बनाने के लिए मैंने बैटर तैयार किया है और उसके लिए मैंने कल उड़द की दाल और चावल भिगो के रखे थे। और अभी सुबह सुबह ये मिर्ची की छोटी वाली जो जाल है उसमें मैंने उसको ऐसे पीस लिया है और ये मिक्सचर को मैंने बना के रखा है। अभी कुछ डाला नहीं है, बस अरद की दाल है और चावल दोनों को मिक्स किया है। अभी मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि अभी इडली नहीं बनानी, शाम को बनानी है। तब तक के लिए बैटर ना सेट हो जाएगा और इसको ना मैं ढक के रख देती हूँ। और चाय नाश्ता हमारा हो चुका है, अभी रोटी बनानी बाकी है। रोटी के लिए आटा हो गया है कंप्लीट। अब मैं फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, बाद में बर्तन कर लेती हूँ। देखिए बहुत सारे बर्तन पड़े हैं यहाँ पे, ये भी भरा हुआ है वॉश बेसिन, और यहाँ पे ये सब इधर उधर पड़ा है, सब सेट करना है। तो अभी फटाफट रोटी बना लेती हूँ, बाद में तो तैयार होके। आज तो वो इलेक्शन की मतलब तालीम है हमारी, तो सहरा जाना है मीटिंग में। तो 1 बजे है, तो 12 बजे निकलते हैं, पहुंच जाएंगे 1 घंटे में आराम से। ओके, तो तब तक के लिए मिलते हैं बाद में। तो वहाँ पर जाती हूँ तो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, और नहीं भी दिखाती हूँ तो कोई बात नहीं। आगे हम इडली विडली बनाएंगे तो आपको ब्लॉग पूरा देखना। ओके, कैसे बनाती हूँ मैं इडली, क्योंकि मैं फर्स्ट बार बना रही हूँ, कैसी बन रही मुझे कुछ पता नहीं। तो अभी ना गाइस शाम हो चुकी है और मैं अपना देसी जुगाड़ करके इडली रेसिपी बना रही हूँ। अभी मैंने कटोरे लिए ऐसी, और देखिए एक तपेला लिया है, इसमें छन्नी और नीचे स्टैंड डाला है, और इसमें 3 आ रही है, तो मैं बारी बारी से इसको बॉईल कर लूँगी उस। ओके, और ये इडली का बैटर मैंने 2 दिन तक चावल और सब भिगोया था, आज ये कम्प्लीट हो गया है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ, और इसमें मैंने तेल लगा लिया है ताकि आसानी से इसे खोल सके। तो अभी गाइस इडली कंप्लीट हो गई है, मैंने इसको चेक कर लिया पिन से, और अभी मैं इसको ले लेती हूँ। देखिए सांभर बनाने के लिए मैंने ये सारी सब्जियाँ काट ली है, मेरे पास वो सरगवे की सींग नहीं थी, तो अभी ये धुती है, हरी मिर्च, कांदा, टमाटर और थोड़े से मैं बैंगन डाल रही हूँ। आपको डालने तो डाल सकते हो, नहीं डालने तो कुछ कोई बात नहीं। और ये चने की दाल है, ये अरहर की दाल है, इसमें जीरा, और ये इमली भी मैंने भिगो के रखी है सांभर में खटास लाने के लिए। अभी मैंने इडली डाल दी है, दाल भी डाल दी है, अभी थोड़ा सा इसको होने दूंगी और बाद में ये सांभर का मैं मसाला लाई हूँ वो डाल दूंगी। मसाला हम खुद बनाना चाहे सांभर का तो भी बना सकते हैं। तो अभी ना गाइस हमारी इडली सांभर ना रेडी हो गई है, ये इडली है और ये सांभर है। तो अभी फटाफट से हम खाना खा लेंगे, और मैंने पहली बार ही बनाया है और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, स्मेल भी बहुत तगड़ी आ रही है। तो
तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग और मेरी इडली वाली इडली सांभर की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर मेरे ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं ब्लॉग वाले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबको बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी सोने का टाइम हुआ है फिलहाल तो सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी भी तो उठना है और आज पूरा दिन मतलब थक गए हैं क्योंकि आज मीटिंग भी थी वो इलेक्शन वाली, तो शहर आ गए थे तो अभी थकान सी हो रही है। और उसमें इडली का प्लान बनाया था तो बनाते नहीं तो बैटर सारा ख़राब हो जाता, तो बना ली। पर पहला एक्सपीरियंस था, फिर भी अच्छा रहा और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आप भी ऐसे इडली घर पर ट्राई ज़रूर करना, बनाना, खाना और मौज करना। तो मेरे ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट सबको।